भक्त जनों, आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मण के सिवा कोई भी मेघनाथ का वध नहीं कर सकता था। इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जब केकई और राजा दशरथ के आज्ञा अनुसार वन को गए, वन में जाने के बाद राम लक्ष्मण सीता का हरण हुआ, राम और लक्ष्मण साथ में थे। और इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी सृष्टि पर केवल लक्ष्मण ही थे जिसके द्वारा मेघनाथ का वध संभव था। वास्तव में मेघनाथ के पास नागपाश हथियार था जिससे वो अदृश्य होकर राम लक्ष्मण सहित अन्य वानर सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार करता था। मेघनाथ निडर होकर वार करता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथों से लिखी है जो 14 वर्ष तक सोया नहीं है। वो यह बात भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण प्राणी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वास्तव में मेघनाथ को भोले शंकर ने से ऐसा वरदान मिला था। वही दूसरी ओर श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति इतने कर्तव्य परायण थे कि वो वनवास के दौरान एक दिन भी नहीं सोए। उस समय लक्ष्मण ने इस बात को सामान्य सी बात सोचा। वो नहीं जानते थे कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। आगे जाकर लक्ष्मण की इसी विशेषता के कारण रावण के पुत्र मेघनाथ के का वध संभव हो सका, क्योंकि वो तो वरदान लिए हुए था कि जो 14 वर्ष तक नहीं सोएगा उसी के हाथ से हम मारे जाएंगे। ऐसा तो पृथ्वी में संभव हो ही नहीं सकता है कि जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हो। लेकिन लखन लाल जी राम के सेवा में इतना तत्पर थे कि वे 14 साल तक नहीं सोए। इसी कारण से मेघनाथ श्री लक्ष्मण जी के हाथ से ही मारा गया।